अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद खज़रानास। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। आज की रेसिपी है दही बड़े मसाला, जिसे दही भल्ले भी कहा जाता है। रमज़ान में हमें इस मसाले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें, हाफ कप साबुत लाल मिर्चें हैं, हाफ कप में आई हैंगी 25 से 30 अदद आएंगी साबुत मिर्चें, बिल्कुल ड्राई हैं ये। 1 स्पून इसमें साबुत धनिया है, बिल्कुल ड्राई है। 1 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1.5 स्पून तक जो है मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, बिल्कुल ड्राई है। अब फ्राई पैन में तीनों चीज़ों को डाल के लाइट सा रोस्ट कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट करना है और बस स्पून को आपको चलाते रहना है कि जले ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी से हो जाता है और फिर ये जलने का भी इसका बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। जब आप इसको करेंगे रोस्ट तो बहुत अच्छी सी इसमें से ज़ीरे की और साबुत धनिया की बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, जो आ रही है अभी, मुझे बहुत अच्छी सी लग रही है खुशबू इसकी। देखें ये रोस्ट होने लग गया है, कलर चेंज हो रहा है इसका, देखें। आप इसे चना चाट में भी यूज़ कर सकते हैं इस मसाले को, बहुत मज़े का लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप दही बड़े और दही भल्ले में ही इसको यूज़ करें, चना चाट में आप इसको डालें, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है चना चाट का जी। यहाँ जो ये मसाला हो चुका है, अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। मसाले को पाउडर की तरह बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें जो है इस मसाले को इस तरह दरदरा सा रखना है, जिस तरह ये देखें आप, ये दिख रहा है, इस तरह से आप दरदरा सा रखें, क्योंकि दही बड़ों का मसाला दरदरा सा होता है। 1 स्पून इसमें चाट मसाला ऐड होगा, 1/2 स्पून इसमें काला नमक। अब इसको मिक्स करके आप किसी भी जार में इसको रख लें और आपका पूरे रमज़ान ये मसाला चलेगा। जब भी आप इस मसाले को जार से निकालें तो ड्राई स्पून यूज़ करें, कभी भी गीला स्पून यूज़ ना करें। गीले स्पून से जो है हमेशा मसाला जो है वो ख़राब हो जाता है, फफूंदी लग जाती है मसाले के ऊपर जी। आप भी एक चिट ले लें और चिट के ऊपर दही बड़े मसाला जितने भी मसाले बनाएंगे उस पर आप लिख लिख के आप जो जार के ऊपर पेस्ट कर दें इस तरह से, जिस तरह मैंने किया हुआ है, ताकि आपको जो है जब आप मसाला ढूंढें तो आपको मसला ना हो, मिक्स ना हो जाए आपके मसाले जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मसाला आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बनाएं अपने घर में और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि बहुत आपको पसंद आएगा, क्योंकि बहुत टेस्टी मसाला बनता है। मैं अपने घर में हर रमज़ान में यही मसाला बनाती हूँ। आज की रेसिपी यहीं पे ख़त्म होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।